उसकी वजह से ये सारी घटना अहमद भाई, अतुल जी, अतुल जी, एक मिनट अतुल जी, अतुल क्या अलायंस जो है एक मिनट एनसीपी के, क्योंकि आप उनकी पीसी में नहीं गए, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस वोट आएगा उसमें हम तीनों पार्टी साथ हैं, कॉन्फिडेंस वोट में हराने के लिए और उनको जो भी साथ दे रहे हैं उनको हराने के लिए हम लोग पूरे प्रयास होंगे, इतना ही नहीं बल्कि उनको शिकस्त देंगे। अतुल जी, आप राष्ट्रवादी के अजित नेता अजित पवार ने जो निर्णय लिया है तो उनको बर्तरफ करने की मांग राष्ट्रवादी के पास करेंगे क्या, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप तीनों की जो मीटिंग आज होने वाली थी वो फिर से होगी और बातचीत की जारी रहेगी आपकी? तक पहला प्रश्न है, आज मीटिंग में हम लोग जब थे सुबह में यही बात हुई है और शरद जी ने स्पष्ट कहा है आज 4 बजे उनकी मीटिंग जो है उसमें उनके खिलाफ जो एक्शन लेने हैं या उनका दूसरा लीडर तय करना है, व्हिप तय करना है, वो सारी चीज़ें तय की जाए। दीपक बाबू से गांगर साहब, ये तो गांगर साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमें मैसेज आया था कि तीनों पार्टियों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन कांग्रेस का एक भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं था। आपको लगता है आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? नो, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल, और उसीलिए आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ बुलाई है, क्योंकि सुबह में जो मैसेज आया था कि शिवसेना और एनसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गांगड़ सर, उसके बाद हमारा नाम डाला गया था, लेकिन हमारे से ऐसी कोई जितनी बात होनी चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी मीटिंग में आज गए हुए थे, मीटिंग में कुछ बातें हुई हैं और हम लोग ने, क्योंकि हमारी यहाँ मीटिंग थी पहले से तय की गई थी, उसीलिए हम लोग खेल की थी, उसीलिए हम लोग चल रही है गांगड़ सर प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मिनट गांगड़ जी बोला गांगड़, एक एक मिनट लोकन बात को लेकर तो नहीं थी कि आपके विधायक क्या आपके साथ है सच में या फिर कहीं और? हमारे सारे विधायक इंटैक्ट है, सिर्फ 2 लोग जो है अपने गांव में आज, और हमारे विधायक बिल्कुल मजबूत है और बीजेपी को और उनके जो भी एलाई अभी होंगे नए उनको शिकस्त देने के लिए तैयार। सुरेंद्र गांगड़ ये कहा है कि 30 तारीख के बाद 3 पार्टियों की सरकार जो है अभी भी बन सकती है, चर्चा जारी रहेगी, क्या आप मानते हैं? अभी भी बन सकते हैं, सरकार बनेगी। विनय जी, सर, हाउ विल यू हाउ डू यू प्लान टू टेक दिस अहेड? आर यू गोना वेट टिल द फ्लोर टेस्ट और एनी अदर स्ट्रेटजी दैट द 3 ऑफ यू आर प्लानिंग फर्स्ट? एंड सेकंडली, इज देयर एनी डिस्ट्रस्ट अबाउट एनसीपी आफ्टर टुडेस डेवलपमेंट? बोथ द वेज, वन इज पॉलिटिकली आल्सो एंड अनदर इज लीगली आल्सो, बोथ द वेज वी विल कम। अलका जी, सर यू हैव कॉल्ड टुडे, एनी डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स द एनसीपी आफ्टर टुडेस डेवलपमेंट? हम तीनों साथ मिलके ये जो भी करने की कोशिश करें। सर, यू हैव कॉल्ड दिस डे ब्लैक डे, सो आर यू गोइंग टू डू लाइक फाइल एनी कंप्लेंट ऑन गो टू कोर्ट अबाउट गवर्नेंस एक्शंस? वी विल फाइट बोथ द फ्रंट, पॉलिटिकल फ्रंट एज वेल एज अंबिकर। थैंक यू सर। ये अलायंस जो आप करने जा रहे हैं वो आपको लगता नहीं कि अननेचुरल है? आपको विपक्ष में बैठने का पूरा मैंडेट मिला है, जो थोड़ा सा भी समय लगा क्योंकि हमने कुछ चीज़ों पे हमें सहमति लेनी थी, शिवसेना से भी लेनी थी, और खास तौर पे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में।